नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल न्यूज में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपना एक बड़ा सपोर्ट जो है वो खोया है दोस्तों, और उसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। स्टॉक 52 वीक लो से लगभग 10 से 15% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये जो एक स्टॉक है ना वो बहुत बहुत अच्छे आप कह सकते हैं खरीदारी के मौके दे सकता है। अगर आप इस स्टॉक को SIP मोड में लेते हैं, अगर आप इस स्टॉक का विजन आपका आने वाले 2 से 3 सालों में है, तो ये एक बहुत शानदार मौका है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाने का। तो क्या है पूरा मामला, क्यों कह रहा हूँ बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, या दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ये लगभग 1.25% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 1.25% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो देखिए 1.25% गिरावट है ना, इससे ज्यादा डेंजर जो है, इस स्टॉक ने अपने एक बड़े सपोर्ट 2900 के नीचे क्लोजिंग दी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 2890 के ऊपर क्लोजिंग है तो चीजें थोड़ी स्टेबल है। ठीक है, और इसीलिए जो मंडे है यानी परसों, मंडे का जो दिन है दोस्तों, कौन सा दिन, मंडे का जो दिन है वो आप कह सकते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर वापस से गिरावट शुरू होती है, अगर 2900 के नीचे ये लगातार दो दिन ट्रेड कर लेता है, तो फिर जो एक चलिए रेजिस्टेंस 2900 का वो बहुत मजबूत हो जाएगा, जो 2900 का रेजिस्टेंस है दोस्तों वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आगे चर्चा करूं मैं आपसे दोस्तों, तो आप देखें यहाँ पे पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो लगभग 36 से 37% गिरावट दिखाई है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो गिरावट हो रही है ना, ये स्टॉक के कारण नहीं हो रही है, ये पूरा सेक्टर जो कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जिस प्रकार की मंदी का अंदेशा कर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कि सबसे बड़ा रेवेन्यू चंक है डिक्सन का, वहाँ पे जो स्लो डाउन देखने को मिल रही है, उस कारण आपको ये दबाव, आपको ये गिरावट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो 2500 के आसपास है। ठीक है, बल्कि मैं प्रिसाइसली कहूँ तो मुझे लगता है 2553 के आसपास दोस्तों इसका 52 वीक लो है। यहाँ पर दोस्तों अगर स्टॉक वापस आता है तो बाई ऑन डिप्स के लिए ये एक बहुत शानदार मौका है। लेकिन अगर ये टूटेगा ना दोस्तों, तो फिर सीबीआरटी थोड़ी बढ़ के स्टॉक शायद 2100 से लेकर के 2300 तक जा सकता है, और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका ऐसी क्वालिटी कंपनी में जो आने वाले 2 से 3 सालों में आपको आपके इन्वेस्टमेंट में एक बहुत शानदार रिटर्न दे सकती है, मुझे लगता है मिलने वाला नहीं दोस्तों। और सच में अगर आपका विजन 2 से 3 सालों का है तो डिक्सन में निवेश करने का इससे अच्छा मौका नहीं होगा दोस्तों। हाँ, आने वाले मुझे लगता है 2 से 3 एटलीस्ट 2 क्वार्टर आपको थोड़ा पेन देखने को मिले, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, जिस वैल्यूएशन में लगे, देखिए अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर है, सेकेंड हाफ में अगर जिस तरह की रिसेशन की बातें चल रही है, अगर वो सक्सेस साबित होती है, तो फिर ये स्टॉक मुझे लगता है एक बार आपको 2000 के आसपास जाता दिखेगा। लेकिन देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, प्रॉब्लम ये कि ये सीवियरिटी, ये जो स्लो डाउन है, जो रिसेशन की बातें होंगी, ये कितना ज़्यादा है ये हमको अभी नहीं पता। आने वाले जो सेकेंड हाफ है दोस्तों, या कह सकते हैं फर्स्ट हाफ के एंड तक इस फाइनेंशियल ईयर के, ये काफ़ी हद तक ओपन हो जाएंगी, और हम इस बात के लिए इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई अब यहाँ से एक बड़ी तेजी शायद होते हुए दिखाई दे सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी अनाज पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।